आज हम आपको एक चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का वन शॉट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो उसे हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसे देखेंगे किस तरीके से हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो है किस तरीके से रिलेट करता है। और आपने उसको पढ़ तो रखा है, पढ़ने के साथ साथ अब आपको थोड़े से उसके क्वेश्चन भी करने होंगे। और क्वेश्चन करने के साथ साथ अब जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों में एग्जामिनेशन हो सकते हैं आपके, और एग्जामिनेशन की तैयारी भी हमें बहुत जितना जल्दी फास्ट मैनर में कर सकते हैं फास्ट मैनर में करनी होगी। तो इसीलिए हम आपको फास्ट मैनर में और जल्दी से जल्दी जो चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर हम आपको करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर नहीं अब जो हम आपको चैप्टर करने जा रहे हैं वो हमारा वर्क एनर्जी पावर, उसके बारे में देखते हैं पहले। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज, हो सके तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमारे आप मोटिवेशन बढ़ता है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम समझने जा रहे हैं वो हमारा वर्क। देखिए हम जैसे अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं, खाना पीना सोना कहीं जाना कहीं आना या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो हमारे होते हैं उन्हें हम डेली लाइफ में काम की संज्ञा में लेते हैं। कुछ मेन क्राइटेरियाज होते हैं तो उनको हमें फुलफिल करना होता है। जैसे कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस ऑब्जेक्ट को देखिए आप, और इस ऑब्जेक्ट जैसे कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी ए पोजीशन रखा हुआ है। टाइम टी के इसका कुछ मास होगा एम, इस पर फोर्स हमने लगाया, फोर्स लगाने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट ए इसकी पोजीशन में टाइम के साथ कोई भी ऐसा चेंज नजर नहीं आया। विद टाइम टी के साथ नो चेंज इन पोजीशन में इसकी कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और इसकी पोजीशन जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिजिक्स की भाषा में ये कहेंगे यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है, नो वर्क इज गोइंग टू बी डन, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो हम वर्क कहेंगे कब, यही ऑब्जेक्ट ए लेते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए को हमने यहाँ से लिया, इस पर कुछ हमने फोर्स लगाया, यहाँ देखिए सम अमाउंट ऑफ फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया। जब हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने पर इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आने से ये यहाँ पर आकर के ये ऑब्जेक्ट ए जो था यहाँ पर आ गया, ए ऑब्जेक्ट। यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होने पर इसकी आगे की पोजीशन बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में इसने अपनी पोजीशन चेंज की, फोर्स लगाने पर जब हम कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी चेंज करता साथ साथ में, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, एस। तो इस बात को देखते हुए हमने क्या देखा, वर्क जो है दो कंडीशन पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते हुए हमें दिख रहा अभी। तो वर्क पहले वर्क किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वर्क डिपेंड्स इन ऑन टू क्राइटेरिया, टू आर ऑन टू थिंग्स, वर्क जो है दो बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, एफ फोर्स, फोर्स अप्लाई की जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट मीन टू से कि जब फोर्स जो है उस पर अप्लाई किया जा रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया उस पर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों क्राइटेरिया के सिवा और कोई दूसरी क्राइटेरिया नहीं है जिस पर कि फोर्स हमारा डिपेंड करता है। तो देखिए अब किस लिए डिपेंड करता है, तो इस बात का जवाब ये है कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है हमारा वर्क।
वर्क को डिनोट डिनोट जो किया जाता है वर्क डिनोटेड बाई डब्ल्यू, वर्क डिनोटेड बाई डब्ल्यू। अब देखिए जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। क्वेश्चन एनालाइज करता है कि वर्क, अगला क्वेश्चन कि वर्क डन इज स्केलर और वेक्टर, वर्क डन इज स्केलर और वेक्टर। ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि वर्क डन जो होता है वेक्टर होता है या स्केलर होता है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, आप मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आप इसका इसका इसी पे कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वर्क डन स्केलर है और वेक्टर है। आप बिलो द कमेंट सेक्शन, वर्क का वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पर डिपेंड करता है, हम कितनी फोर्स लगा दें, कितनी फोर्स लगा दें, अगर डिस्प्लेसमेंट एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट एस जीरो है तो हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा हमारा वो भी जीरो ही होगा, उसमें हमारी कोई वर्क नहीं माना जाएगा। नो वर्क हैज टू बी डन इफ आवर नो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू डन। फॉर एग्जांपल बॉल, आप एक बॉल को आप जब एक बॉल को धक्का मारते हैं और बॉल को धक्का मारने की कोशिश करते 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 लेकिन वो बॉल बिल्कुल भी नहीं हिली और बॉल हिल भी नहीं पा रही, हिल भी नहीं सकती है, बॉल बॉल में फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉल हिलती नहीं है, बॉल पे हमने बहुत फोर्स लगाया लेकिन बॉल यहां से हिल नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में फोर्स हमारा बहुत है लेकिन वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि हमारी फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉल जो है हिल नहीं पा रही। उसी तरह से कार, टॉय कार, पहले आप टॉय कार को देखिए, टॉय कार को हम बड़ी आसानी से ला सकते हैं, यहाँ से हमने छोटा सा हाथ लगाया, छोटा सा हाथ लगाकर हम टॉय कार को बड़ी आसानी से ला सकते हैं, तो हमने वहाँ पर वर्क कर लिया, अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन उतनी फोर्स से अगर हम कार जो रियल कार होती हैं, कार्स रियल कार्स जो कार होती हैं जिन्हें हम चलाते हैं उनमें धक्के मारेंगे तो वो नहीं चल सकती, तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो होगा। ऐसे इस तरीके से जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर, इसलिए वर्क डन फिजिकल क्वांटिटी में अलग मैनर में लिया जाता है एज कम्पेयर टू रियल लाइफ में। वर्क डन ऑल्सो का देखिए आपको एक बात बताते हैं, वर्क डन जो होता है नेगेटिव वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है एंड जीरो वर्क डन भी होता है। वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। वर्क डन जो होता है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? कंडीशन फॉर पॉजिटिव, कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं हम, जिधर फोर्स लगाई जा रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा, वर्क डन W बिकम पॉजिटिव, वर्क डन ऐसी कंडीशन पॉजिटिव होगा और एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन F एंड S इज एक्यूट। ये दो कंडीशन होती हैं, जिस कंडीशन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं
तो ऐसी कंडीशन जो हमारा वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। एक्यूट एंगल फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में एक एक बच्चे को दिखाया गया होगा कि बच्चे जो है यहाँ पर एक एक कार यहाँ पर लगी हुई है और कार को यहाँ से खींचते हुए ले जा रहा है बच्चा, और यहाँ एक रोप है और यहाँ पर इसकी फोर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, तो यहाँ से ये थीटा एंगल बनता है। तो सर ये एंगल एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल होने पर जो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नहीं तो जब एक्यूट एंगल होता है मतलब कि जब एंगल इज गोइंग टू एक्यूट, ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन निकल करके आता है। इस और इसके एंगल के बेसिस पे अभी हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसे कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, नहीं वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा वर्कडन का फॉर्मूला होता है। जिस वर्कडन के फॉर्मूले की मदद से हम उसको डिड्यूस कर पाते हैं। ये हमारी फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस। तो इस तरीके से अगर उन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है तो ऐसी कंडीशन में जो वर्कडन होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वर्कडन नेगेटिव, वर्कडन इज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ वर्क इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू वन अनदर, टू वन अनदर, और एंगल इन बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्टूज, इज ऑब्टूज। मतलब या तो दोनों फोर्स जो लग रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। एंड या फिर एंगल जो लग रहा है, एंगल भी कैसा, ऑब्टूज एंगल है, एंगल शुड बी ऑब्टूज। देखिए यहाँ पर एंगल कैसा होता है, ऑब्टूज, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट, अपोजिट टू वन अनदर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन जो होती है डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे वहाँ फोर्स चल रहा है, यहाँ फोर्स, और फोर्स के अपोजिट में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फोर्स डन होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ से देखिए ये देखिए, यहाँ से वर्क डन जो होगा कैसा होगा, थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन 90 है, तो वर्क डन इस कंडीशन में क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन बिकम इक्वल टू नेगेटिव, वर्क डन जो हमारा नेगेटिव होगा। उसके बाद कंडीशन थर्ड, वर्क डन इज आल्सो गोइंग टू जीरो, थर्ड कंडीशन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इक्वल टू जीरो होगा जब दोनों कंडीशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और द एंगल इन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो हमारा जीरो होता है। जिस तरीके से कुली अपनी सर पर बहुत सारा पोटी रख के चलता है, लेकिन उसका जो वर्क डन होता है जीरो होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि उसके वो जो वर्क कर रहा है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब परपेंडिकुलर वर्क डन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन का कोई वर्क माना नहीं जाएगा। सिर्फ देते हैं जरा, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो
इक्वल टू जीरो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू वन एनदर और एंगल इन बिटवीन एफ एंड एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी कंडीशन में वर्क डन जो होगा जीरो होगा, वर्क डन बिकम इक्वल टू जीरो। यहां देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर फोर्स दोनों ही एक दूसरे से, फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप परपेंडिकुलर बने इधर। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल इन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दिस कंडीशन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो जीरो के बराबर होगा। जिस तरह का टॉपिक आ रहा है वो हमारी एनर्जी है। देखिए एनर्जी, एनर्जी अब देखिए हमें काम करना है। एक काम करने के लिए हम क्या चाहिए, हम दौड़ना चाहते हैं, हम दौड़ने के लिए क्या चाहिए। अगर हमें कुछ बोलना है जो मैं अभी आपको सुनना है, और किसी काम को भी करने के लिए हमें क्या मेन चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए। जिस इंसान के पास एनर्जी होती है वो किसी भी काम को बड़ी आसानी से जल्दी ख़त्म कर लेता है, और वहीं जिस इंसान के पास एनर्जी नहीं होती वो उस काम को नहीं कर सकता। तो एनर्जी में क्या देती है, वो हमें लायक बनाती है कि हम किसी काम को कर सकें। तो इस तरीके से एनर्जी की डेफिनेशन क्या देंगे, एनर्जी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, हमारे पास कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। हम कितना कार्य कर सकते हैं कितने समय के अंदर, मतलब हम कितना काम कर पाते हैं या हम कितना काम कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी होती है जितनी एनर्जी हम लूज करते हैं, हम उतनी ही एनर्जी गेन कर सकते हैं जितनी की एनर्जी हम लूज करते हैं। एनर्जी लूज, एनर्जी गेन बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड बाय इट। जितना एनर्जी एक ऑब्जेक्ट गेन करता है उतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी करता है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि एक एक्स हम उसे बुट पे मारते हैं, तो बुट क्या होता है, हम किसी एक्स को लकड़ी पर रख देते हैं तो वो कटेगी नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसे जोर से उठाया और जोर से ठाकरे उसे मारा तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में लकड़ी जो होती है दो हिस्सों में टूट जाती है। क्यों, क्योंकि हमने उसे एनर्जी दी। तो एक्स जो होती है बुट को दो टुकड़ों में काट सकती है, जब हम उसे अपनी तरफ से एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, उसे एबल बनाती है कि वो किसी उस काम को कर सके, कार्य करने की क्षमता के एबल बनाने की जो बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी परिभाषा में एबिलिटी टू डू वर्क होती है।
एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ए जूल, जूल और जे, एंड जूल इज ए स्मॉलर यूनिट, देयरफॉर बिगर यूनिट 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज एन स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे कुछ टाइप ऑफ एनर्जी होती हैं। लेकिन जब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं, ये दो एनर्जी होती हैं, जब आपसे मिल जाती हैं तो उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर जब एनर्जी बनाती हैं उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, जो एनर्जी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की पास होती है या जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से आती है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² के बराबर होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर मास ट्वाइस होता है तो एनर्जी बिकम ट्वाइस, एंड इफ वेलोसिटी गेट ट्वाइस एनर्जी गेट 4 times। मैनर अगर मास आधा होता है तो एनर्जी भी आधी हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी आधी होती है तो मास भी बन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी पोजीशन और कंट्रीब्यूशन, पोजिशन कंट्रीब्यूशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट पजेस करता है अपनी पोजिशन और कंट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्थर रोड पर रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी नहीं होगी, लेकिन वहीं एक पत्थर जो है यहाँ पर वॉल पर रख दिया जाए तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, यहाँ पे देखिए एक हाइट है इसके अंदर, एक हाइट की वजह से यहाँ पे एनर्जी आती है, जब यहाँ पे गिरता है तो ये टूट जाता है ब्रेक, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो है टूटता नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से टूटता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे देखिए इसके अंदर पोजीशन की वजह से एनर्जी आ रही है, इसके पास कुछ मास होता है, और देखिए जिस जो एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट लगती है,
ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने पर मिलती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने पर मिलती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच, एम जी एच द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का पहला एग्जांपल जस्ट हाइट, कंफ्यूजन एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग है, और सेकंड कंडीशन यहाँ देखिए, इन दोनों हमने क्या किया, स्ट्रेच, जैसे चेंज इन कंफ्यूजन, चेंज इन कॉन्फ्यूगेशन, कॉन्फ्यूगेशन में चेंज किया, और कॉन्फ्यूगेशन में चेंज करने से हमने इसके सेपर साइज को चेंज कर दिया, और सेपर साइज चेंज होने की वजह से यहाँ पे ये एनर्जी इसके अंदर आ गई। तो जो एनर्जी किसी की पोजीशन की कंडीशन चेंज होने की वजह से मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक गुलेल देखते हैं, यहाँ देखिए एक गुलेल को हमने पीछे खींचा और पत्थर ला कर यहाँ से जब खींचा, तो यहाँ से जब पत्थर छूटता है तो वहाँ पे पत्थर जो होता है आगे आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी में हमने क्या क्या स्ट्रेच किया, इसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके हमने इसे एनर्जी दी। तो इस तरीके की एनर्जी जो किसकी पोजीशन या कंफ्यूजन में से मिलती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only change from one form, change from its one form टू एनदर। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, इट इज द प्रोसेस of converting one form of energy to another form of energy। ये बहुत प्रोसेस होती है जिसकी मदद से कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में, फर्स्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी Another, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी से हमारी पावर, मैकेनिकल एनर्जी से हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज चलते रहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, पावर। पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि कार्य कितनी स्पीड में हो रहा है। जैसे कि कोई चीज कितनी जल्दी किसी काम कर देती है उसी उसको पावर बोलते हैं। जैसे देखिए, हम सपोज करते हैं कि एक ये 1 पर्सन और ये 2nd पर्सन ए एंड बी। यहाँ देखिए, जो पर्सन ए है वो किसी भी दिए काम को, दोनों को हमने सेम काम दिया, 20 जूल ऑफ वर्क काम करने को दिया, 20 जूल ऑफ वर्क काम करने को दिया। लेकिन इन्होंने, 1st पर्सन ने 5 मिनट लिए उसका, उसे 10 मिनट लिए उसने काम करने के लिए, और वहीं दूसरे इंसान ने इस काम को केवल 5 मिनट में कर दिया। तो इससे हम क्या कहेंगे कि वो किसी भी दिए गए काम को जल्दी कर सकता है। तो मतलब क्या बोलेंगे, ए बी हैज, बी हैज मोर पावर, बी हैज मोर पावर, क्योंकि वो किसी भी दिए गए काम को जल्दी खत्म कर सकता है। तो वही होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई इंसान किसी भी काम को कितनी जल्दी खत्म कर सकता है उसी को उसकी पावर बोला जाता है। अब देखिए, यहां से बी हैज मोर पावर, इसी तरह से एक इंजन, इंजन ए कार का, कार कार की कार को लेते हैं, कार कार का कार जो होती है, कार का इंजन ए और इंजन बी, ये इंजन जो ए है, इंजन ए जो है पेट्रोल लेता है, पेट्रोल खाता है 1 लीटर पेट्रोल में ये हमें 1 घंटे ले, 1 घंटा लेता है, और वहीं ये एक लीटर पेट्रोल लेकर के आधे घंटे में ही, आधे घंटे में हमें वहाँ तक पहुँचा देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो इंजन ए है उसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो कम समय में लेकर के ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़, एक कार हुई, मोटर हुई, या किसी भी चीज़ को हम देते हैं तो उसकी पावर किस पर डिपेंड कर सकते हैं। इस तरह जो एस, जो पावर की SI यूनिट होती है, SI यूनिट पावर इज वॉट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो फॉर्मूला होता है इसका, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, तो F = W/T एंड वर्क डन = F × S/T। तो क्या हुआ, F × V, F × F, power × velocity। तो इसका क्या चलता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, पावर जो होती है वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पावर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वर्क भी फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, अगर इसे हम इस पर कील लगाते हैं इससे, और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसमें वेलोसिटी लगा रहे हैं, और सिमिलर मैनर में ये हथौड़ा है, ये B1 है, ये B2 है। अगर ये नेल यहाँ पे लग रहा है, इसके अंदर ये नेल यहाँ लग रहा है, और अगर B2 जो है बड़ा है, ज़्यादा है B1 से, तो पावर जो होता है जो पावर होगी P2 की, वह भी पावर P1 से ज़्यादा होगी। जो वॉट होती है वो एक स्मॉल यूनिट होती है, वॉट जो होती है हमारी एक स्मॉल यूनिट होती है, इसकी इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट होती है, किलो वॉट में जो होता है 1000 वॉट के अलावा होता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर में जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए होता है किलो वॉट आवर। तो इसके लिए जो लगता है 3.6×10^6 वॉट होते हैं। इस तरीके से हमारी पावर